हसन साहब, ये पीपल्स पार्टी सर एक तरफ शिकवा कर रही है लेवल प्लेइंग फील्ड का, दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि अगली हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की, मुस्लिम लीग नून की हम बनने नहीं देंगे, नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने नहीं देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। कैसे बनाएगी सर, जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है आपके पास तो? मैं कह रहा हूं जी कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो तो सियासी कारकुन अपनी जद्दोजहद छोड़ दे या ये हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए कि मुझे आके तो कोई सहारा देगा। अगर ये 2018-13 नहीं है तो फिर इंशाल्लाह ताला 23 है और इसमें हालात बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ये सहारों से आने वालों के लिए इंशाल्लाह ताला बड़ा मुजर साबित होगा। इसमें ऐसी कोई अचंभे वाली बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले हुकूमतें बनाती रही है और आज भी वो इस पोजीशन में है जी कि वो हुकूमत बना सकती है। इलेक्शन तो आने दे। सर, वो फॉर्मूला बता देंगे, क्योंकि इससे पहले तो नहीं, जरदारी वो साहब उसमें का जादू चलता फॉर्मूले रहा वाली है। कौन सी बात है? आप देखें ना, इलेक्शन लड़ना हर आदमी का हक है। हम इलेक्शन हलकों से जीत के आएंगे तो हुकूमत बनाएंगे ना। फॉर्मूला तो तब हो ना कि हमने बगैर इलेक्शन लड़े हम चाह रहे हो जी कि हम हुकूमत में आ जाए। कतन नहीं है। इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें हमारे पास उम्मीदवार होंगे, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, जीतेंगे और हम इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। इसमें फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होना है? ये सर सवाल यहाँ पे ये उठता है ना, एक तरफ आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी जा रही है, फिर दूसरी तरफ हुकूमत बनाने का दावा करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली ये सवाल उठता देखिए, है कि कैसे लेवल करेंगे अगर प्लेइंग आपके पास लेवल फील्ड का प्लेइंग फील्ड ही मतलब ये मौजूद नहीं है हरगिज तो? नहीं है कि वो हमें आए और हमें कोई उम्मीदवार दे जाए, हमारी जमात को कोई ऊपर उठा कर ले जाए। हम तो चाहते हैं कि सबके लिए जो है मैदान खुला होना चाहिए, सारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। उसमें जो तहरीके इंसाफ के इंतहा पसंद दोस्त नहीं है उन्हें भी लड़ना चाहिए। जो लोग मुकदमात में नहीं है उनको आजादी होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने की, उनको उनकी पार्टी का निशान भी मिलना चाहिए, पीएमएलएन को भी मिलना जी चाहिए, सारों को लड़ने देना चाहिए। अगर उसमें अच्छा, पीपल्स पार्टी ये क्योंकि एक एक जमात के हवाले से थोड़ा सा भाम है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि पीटीआई के बगैर जो इंतखाबी नतीजे हैं वो तस्लीम नहीं करेंगे। अब सर वजीर आजम भी कहते हैं तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने तो की क्या मुकम्मल इजाजत है, इलेक्शन आपकी कमीशन भी कहता है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान मौजूद होगा, लेकिन अगेन राजा रियाज साहब वो कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई नहीं होंगे। सर फिर पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ होगा इस पर? देखिए राजा रियाज साहब को पूरा हक है अपनी बात कहने का और उन्होंने जो बात कही है उसको इसलिए वेटेज मिल रही है ना कि उन्होंने एक बात इलेक्शन की तारीख के हवाले से कही और वो सच साबित हुई, क्योंकि वो उस डिस्कशन का हिस्सा थे, वो उस डिस्कशन में मौजूद थे जहां पे डेट का जो तकरर हो रहा था वहां पे वो मौजूद थे। तो उन्होंने वो बात कह दी बाहर आके और आज वो सच होगी और इसीलिए कहा जा रहा है कि जी वो कल की भी सर पेशीनगोई कर रहे हैं। वो कोई सर नजूमी नहीं है, ये कहाँ तय हो रहा था सियासतदान हसन साहब? क्योंकि है। मेरी हमारी आवाज को इत्तलात के सुन रहे हो? मुताबिक तो ये अदालत से ऑर्डर आया, इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया, ये आप जो कह रहे हैं मुझे तो उन्होंने आप 3 महीने लेवल पहले प्लेइंग बात की थी, फील्ड तो नहीं दे कहाँ रही, बात हुई मुझे है? बाहर से कहां से मिलनी है? मैं मेरी बात ही मैं नहीं तो होने सवाल देती, पूछ रही आप हूँ सर खुद करती आपसे। जा रही है। मैं बाहर कहां से लूंगा? प्रोग्राम में तो मुझे बोलने नहीं दे रही। चले हसन साहब, बस मुझे इतना बताया ना कि ये डेट कहाँ पर हो रही थी मैंने बताना जहाँ अपनी फयाज मर्जी से है। साहब, ये राजा रियाज साहब भी मौजूद थे। सवाल आपने करना है, बताना मैंने अपनी मर्जी से है। मैंने सिर्फ नहीं बताना, मैंने जी तमहीद के साथ बताना है। आपने अगर सुनना है तो बिस्मिल्लाह, नहीं सुनना तो आपकी मर्जी। सर मैं प्रोग्राम तो हमदन आपका गोश है हूँ, जी। मैं हमदन गोश हूँ सर, सुन रही हूँ आपको। जी मैं गुजारिश कर रहा हूं जी, एक तो आप सारा वो तसलसल तोड़ देती हैं और फिर कहती हैं मैं हमदन गोश हूं जी आपको सुनने के लिए। गुजारिश ये कर रहा हूं जी कि राजा साहब ने जो बात की है वो एक सियासतदान है, वो सियासत कर रहे हैं, वो जहां पे मौजूद थे जहां पे ये बात हुई उन्होंने वो कह दी। अब उनका ये कहना कि आइंदा ये होगा, वो पूरा हक रखते हैं, आप मानना भी आपको चाहिए क्योंकि उनकी एक बात सच साबित हो गई है। लेकिन जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ इसलिए नहीं मांग रही कि पीपल्स पार्टी को आगे अपग्रेड कर दिया जाए, इसमें कुछ नया खून शामिल कर दिया जाए,
ताकि इसके उम्मीदवार जीत सके। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि सारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन लड़ें ताकि इसके नतायज पे कल को उंगली ना उठ सके और कल एक नए धरनों का सिलसिला ना शुरू हो। इस मुल्क ने आगे भी चलना है। हम इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, हम अपने लिए नहीं मांगते, हम सबके लिए कहते हैं कि सबको इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए, इसमें किसी को क्या इतराज है। सही, ठीक सर। अभी शुएब साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे असद कैसर साहब के हवाले से, सर क्या वाकई वो गिरफ्तार हो गए हैं? क्योंकि आप लोगों की जानिब से ही बताया जा रहा था ना कि वो कोशिशें कर रहे हैं हालात नॉर्मल होने की, करने की, तो फिर अगर वो नहीं है कहीं तो क्या समझें कि नहीं हो रहे हालात नॉर्मल पीटीआई के लिए? कैसे समझें मुझे ये बता दें। एक बात पहले मैं जवाब दे दूँ जो पिछली दफ़ा आप बात कर रही थी, मुझे बताएं 18 हो या इवन मार्शल का ज़माना हो, मुशर्रफ का ज़माना में भी हमने तहरीक चलाई थी, अदलिया तहरीक, मुझे बताएं पाकिस्तान की तारीख में 25-25 मरतबा, 20-20 मरतबा, 18 मरतबा जिनकी जमानतें हुई हों और उनको रिलीज ना किया गया हो, ये पहली दफ़ा है। ये भी पहली दफ़ा है कि अदालतों ने कहा हो कि भाई हमारे पास क्या लेने आते हो, हम तो आपको रिलीज़ कर देंगे लेकिन असल आपको रिहाई तब मिलेगी जब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे। ये अदालतों के ऑब्जर्वेशन है। और दूसरा मुझे ये बता दें, खवातीन के केसेस काबिल जमानत जुर्म होते हैं जो भी है, उनको आज 7 महीने होने को है, किसी को जितनी दफ़ा भी रिहाई मिली उनको रिलीज़ नहीं किया गया। अब आप देखें अंदलीज अब्बास इस्तेकाम पार्टी में चली गई, उसी गाड़ी में थी जिस खदीजा शाह की गाड़ी में जो एहतजाज करने जा रहे थे। खदीजा शाह जेल में है, वो इस्तेकाम पार्टी में आके ठीक दूध की दूली होगी। मुराद रास आईजी ने पंजाब ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये कहा था कि इसके 27 काले हैं, ये जी मेन एक्यूज्ड, उसने सिर्फ एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद वो रिलीज हो गया। ये जो कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप कर रही थी, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब आपकी बात कर रहा हूँ, अब आपका सवाल क्या था? सॉरी मैं सर मैं आपसे ये पूछ रही थी ना कि असद कैसर साहब, उनके हवाले से आप लोग बात कर रहे थे, असद कैसर साहब वो मामलात को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। असद कैसर साहब हमारी एक पॉलिटिकल, हमारे टीमें बनाई हुई हैं, वो जो कोर कमेटी ने बनाई है, कोर कमेटी की एक पॉलिटिकल कमेटी है जिसके वो सरबराह है, वो लिहाजा किसी भी बंदे से बात करते हैं, इश्यूज़ पे बात करते हैं, वो डिस्कस करते हैं चीज़ों को कि कैसे आगे लेके चलना है, और तमाम पॉलिटिकल अफेयर्स उनके हाथ में। तो आज उनको गिरफ्तार किया जाना, अभी तो खैर हमें पता नहीं चला गिरफ्तार करके ले गए हैं, कहाँ रखा हुआ है अभी तक हमें कोई वेयर अबाउट्स नहीं पता चले, लेकिन जो गिरफ्तार किया जाना है उनका, आज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है पीटीआई को कि जी आपके लिए कोई माफ़ी नहीं है, आपको हमने माफ़ नहीं करना। अदालतों ने उनको तमाम केसेस में जमानतें दे रखी हैं, इसमें उनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है सच। हाँ, अगर कोई अप डाल दे तो उसकी तो हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। आपकी बात का जवाब, क्योंकि लेकिन सिर्फ एक बात करके देखें, आज भी हसन मुर्तजा ने अच्छी बातें की हैं, आज भी इलेक्शन को डिस्क्रेडिट मत करें, इसको मुतनाजा मत बनाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल क्रिएट होने दें, लोगों को एतमाद क्रिएट करने दें ताकि अगली जो हुकूमत आए वो सुकून से, जिसको सब माने और वो डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, लोगों के मसाइल हल कर सके, वरना ये इससे भी बदतरीन हाल होगा जो 16 महीने में हुआ है।